सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए इस सेक्शन में हम बात करते हैं कि कल जो हमने स्टॉक एनालिसिस किया था, स्ट्रेटजी जो चेक की थी, उसका परफॉर्मेंस आज किस तरीके से परफॉर्म किया मार्केट में, और कल के लिए कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हो सकते हैं उस पर हम नज़र डालेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मोटो है आपको सिखाना। सो ये वो दो स्टॉक्स हैं जिसमें हमने आपको बोला था कि हम पोजिशन आज बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब 15 मिनट का चार्ट हमारे अकॉर्डिंग मैच होगा तो हम इसमें अपना एक पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो हमने इसमें पोजीशंस बनाए और होप आपको मार्केट में एक बहुत अच्छा लर्निंग मिला होगा जेके सीमेंट में, क्योंकि हमने डे बेसिस पे काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया था और हमने आपको बोला था 15 मिनट के चार्ट बेसिस पे आप एंट्री कीजिएगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि ये दोनों स्टॉक्स अभी हमारे चार्ट पे कैसा परफॉर्म किया, तो देख लेते हैं इनका चार्ट एनालिसिस। तो ये रहा जेके सीमेंट, जो कि डेली बेसिस पे हमने अपना व्यू रखा था डेली बेसिस पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 3700 के करीब में, जो यहां आप देख रहे हो। तो अगर आप यहां देखोगे तो कल 1 जनवरी को इसका जो हाई लगा था वो लगा था 3865 के अकॉर्डिंग अराउंड, और आज का जो हाई लगा है 6864.95, यानी 0.15 पैसे लो का लगा है, लेकिन स्टिल इसमें पॉजिटिवनेस है और इसमें स्ट्रेंथ है। तो बने रहिए, हमारा पहला टारगेट 3951 है अगर आपने स्टॉक्स लिया है तो। अब देखो, इसको हमने बोला था कि हमारा 4 घंटा और 1 दिन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, लेकिन आपको पोजीशन कब बनाना था? आपको पोजीशन बनाना था 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी एक लर्निंग है कि अगर आप स्ट्रैटेजी ये सीख रहे हैं, वाकई में सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक काफ़ी अच्छा सीख मिला होगा। तो हमने बोला था ये हमारा 15 मिनट का कैंडल होगा। मार्केट देखिए 1 जनवरी को खुला और 1 जनवरी को 15:15 में बंद हुआ, जो कि रेड कैंडल था। हमने बोला था जब तक ग्रीन कैंडल ना बने तब तक आपको पोजीशन नहीं बिल्ड करना है, जब तक हमारी तीनों स्ट्रैटेजी ना मैच हो, यानी स्टॉकिस्टिक RSI 20 से ऊपर की तरफ ना जा रहा हो। यहाँ पे ऑलरेडी नीचे की तरफ था, 50 को क्रॉस करा था, ये जैसे ही 50 को क्रॉस करेगा हमें पोजीशन बनाना है। अगर आपने वो स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी तो यहाँ पे आप अगर मार्केट में देखो कि स्टार्टिंग खुलते वक्त में ही एक बड़ा हाई और लो लगा था, फिर से यहाँ पे गिरता गया और यहाँ पे आखिर लो कितना लगा था इसका 3740, 3700 का हमारा स्टॉप लॉस था, हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। और यहाँ पे जैसे ही हमारी तीनों स्ट्रैटेजी मैच हुई, 20 से ऊपर, और जैसे ही 50 को क्रॉस किया एक स्ट्रेंथ आया, और यहाँ पे आप देखो मूविंग एवरेज जस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ कहीं हमारा 20 मूविंग एवरेज ऊपर आया, 50 नीचे आया, तो आपको पोजीशन कहीं इस कैंडल पे आपको बनानी चाहिए थी। लगातार यहाँ पे 2-3 कैंडल फॉर्मेशन आपने देख लिया 15 मिनट में, तो यहाँ आपको कम से कम पोजीशन बनानी चाहिए। तो यहाँ अगर पोजीशन बनाते तो बनाते कितने पे? 3787 के करीब में आप पोजीशन बनाते, तो अभी का अभी आपको गेन हो जाता लगभग 0.63% का गेन हो जाता, 1% का गेन हो जाता। तो बने रहिए, जेके सीमेंट बहुत ही अच्छा है, और सेम चीज आप यहाँ पे आधे घंटे के चार्ट फ्रेम में आप यहाँ देखो, 20 मूविंग एवरेज, 50 नीचे, और यहाँ पे कहीं हमको पोजीशन बनाना था क्योंकि ऑलरेडी ये गिर रहा था। और पोजीशन कब बनता अगर आप देखते हैं हमारे हिसाब से, तो पोजीशन आपको बनता लगभग यहाँ, यानी 1 बजे, यानी आज 1 बजे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती इसमें घुसने का। तो अगर आपने स्टॉक्स पे नज़र बनाया होगा तो आपको 1 बजे की एंट्री मिली थी, 1 बजे आपको यहाँ घुसना था। ये डिटेल एनालिसिस करने के पीछे का रीज़न यही है कि आप सीखें, पर्पज़ है आपको सिखाना। दूसरा हम आ जाते हैं PFC, देखते हैं हमारा PFC ने कैसा परफॉर्म किया। सो PFC ने भी हमने बोला था कि आपको 15 मिनट का चार्ट लगा लेना है और 15 मिनट के हिसाब से आपको पोजीशन लेना है। तो आप देखो 1 जनवरी को ऑलरेडी एक रेड कैंडल यहाँ बना था, हमने कहा था कि, और ये 50 को क्रॉस हो रहा था, ये 50 को क्रॉस हो रहा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो आप कल का देख लो, जहाँ पे हमने एनालिसिस किया उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये गिर रहा था, और हमने कहा था जब तक ये 20 मूविंग एवरेज, ये स्टॉकेस्टिक RSI 20 के ऊपर ना हो और RSI हमारा 50 को ना क्रॉस करे, तब तक हम इसमें पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाएंगे। 380-390 तक हम इसमें पोजीशन को एक्यूमुलेट करेंगे। तो यहाँ गिरता गया और यहाँ पे 2-3 ग्रीन कैंडल बनाए, और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज
स्टॉकिस्टिक का RSI 20 के ऊपर यहाँ गया, 50 को यहाँ क्रॉस किया, तो यहाँ पे लगभग कहीं आपका पोजीशन बनना चाहिए था जो कि होता 389 के करीब में आपका एक पोजीशन बिल्ड बनता था। अगर आपने इसमें पोजीशन बनाया है तो बनाए रहिए, क्योंकि 4 आवर और एक दिन के ग्राफ पे अगर हम देखें तो पहला टारगेट हमारा 418 और दूसरा टिल 450 तक का टारगेट है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। पोजीशन अगर बनाया है तो आप बनाए रहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए कौन से बेहतरीन स्टॉक्स होंगे। तो अभी हमने आपको ग्रुप में एक दिया था दीपक फर्टिलाइजर, इसके लिए इसके पीछे हमने एक वीडियो भी बनाया था एनालिसिस का, आप वो देखो। तो दीपक फर्टिलाइजर कल के लिए भी आप ले सकते हो, और मंथली का व्यू है, वीकली का व्यू है तो भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे हम 4 घंटे का चार्ट टाइम फ्रेम यहाँ लगा लेते हैं दीपक टाइम फ्रेम दीपक का। तो यहाँ देखो 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, पहला कंडीशन होता है मैच। दूसरा स्टॉक है RSI 20 से 80 की तरफ, ऑलरेडी ये 80 से ऊपर है, 98 के राउंड है, तो क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है, क्या हम इसमें रिस्क ले सकते हैं, देखेंगे नेक्स्ट टाइम फ्रेम में। उसके बाद 50 से ऊपर RSI तो ऑलरेडी 63 है, तो यानी तीसरा कंडीशन ये भी मैच हुआ, यानी फर्स्ट दो कंडीशन मैच हो रहा है, और ये क्या वर्थ रिस्क टेकिंग है। अगर इसका कंजिकेटिव ये टाइम फ्रेम भी अगर मैच हो जाता है, वीकली भी मैच हो जाता है, तो 100% ये हमारा वर्थ रिस्क टेकिंग है। तो हम देखते हैं डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, डे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, और जैसे ये 20 ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में है। 20 से 80 की जाता हुआ स्टॉकिस्टिक RSI ये भी मैच कर रहा है, 50 से ऊपर RSI 64 है, यानी तीसरा कंडीशन भी हमारा यहाँ हो रहा है मैच, तो हम बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट 723 रुपये का नेक्स्ट टारगेट होगा डे के बेसिस के हिसाब से। अगर इसी को हम वीकली बेसिस के हिसाब से एनालिसिस कर लें, तो वीकली बेसिस के हिसाब से आप देखो 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, जो यहां आपको देखने को मिल रहा है 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, पहला कंडीशन मैच। दूसरा वीकली के हिसाब से 80 से ऊपर है, 100 को है, तो क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है। तो जस्ट इसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम में मंथली में अगर ये मैच हो जाता है तो ये 100% टाइम वर्थ रिस्क टेकिंग है, और 50 से ऊपर यानी 64 है, तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट क्या होगा 715, दूसरा होगा 785 वीकली, यहाँ पे हमको वीकली स्टॉक्स हैंडल करना है। अगर हम मंथली चले जाएं तो आप मंथली देखो 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, स्टॉक से RSI 20 से 80 की तरफ जाता हुआ, RSI 50 के ऊपर यानी 60 है, तीनों कंडीशन हमारा यहाँ होता है एग्जैक्टली मैच, तो मंथली पे भी काफ़ी अच्छा व्यू है। 715 को क्रॉस करते ही 785 का टारगेट, 897 का टारगेट, और अपना ऑल टाइम प्रीवियस हाई 1000 भी टच कर सकता है आने वाले कुछ महीनों में, 5 से 6 मंथ में। तो दीपक फर्टिलाइजर कल के लिए आप उसमें पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक्स निकल के आता है हमारे पास, वो है बजाज फाइनेंस। अगर आप हमारे ग्रुप में होंगे तो हमने ग्रुप में भी आज डाला था कि बजाज फाइनेंस में आप पोजीशन बना लीजिए जिसको बनाना है। तो यहाँ हम 4 घंटे के चार्ट पर देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस कह क्या रहा है, और इससे पहले भी हमने बजाज फाइनेंस आपको दिया था जहाँ पे अभी तक ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर आपके पास है बजाज फाइनेंस पहले से तो आप इसमें एक एक्यूमुलेशन जोन में आ जाइए, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यूज़ आया था और न्यूज़ की वजह से यहाँ पे फॉल आया था, फिर अभी बाइंग स्टार्ट हुई है। तो हम यहाँ देखते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो देखो अभी 20 मूविंग एवरेज जस्ट ऊपर जा ही रहा है, 50 उसके नीचे है, तो ऑलमोस्ट कल तो चला ही जाना चाहिए। अगर हम इसी को 3 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ देखें तो 3 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखिए 20 जस्ट ऊपर क्रॉस करता हुआ 50 जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, कल ये एक सिचुएशन बन जाएगा जहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। और 7497 का भी ये एक सुपर ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस है, ये भी हो सकता है कल कहीं टूटे, तो उस हिसाब से आपको पोजीशन बनाना है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ मैच करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, तो 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, पहला कंडीशन मैच, कल चला जाएगा, अभी फिलहाल मैच नहीं है, कल चला जाएगा। 20 से 80 की तरफ जाता हुआ स्टॉकिस्टिक का RSI 92 है, 8% अभी चांस है, तो क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है, हमें यह देखना है क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है। और 50 को जस्ट क्रॉस करता हुआ RSI यानी 56, तो यानी हमारा दो कंडीशन यहाँ होता है मैच, तो अब हमारा एक टाइम फ्रेम मैच हो गया, दूसरा टाइम फ्रेम भी मैच होना चाहिए, यानी डे बेसिस पे भी मैच होना चाहिए। तो डे बेसिस पे ये एनालिसिस कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा डे बेसिस। सो डे बेसिस में ऑलरेडी यहाँ पे
सुपर ट्रेंड को तोड़ता हुआ एक रिटेस्ट कर रहा है ये स्टॉक, और हो सकता है ये अपना एक अलग पिछला जो हाई है उसका हाई तोड़े आने वाले कुछ दिनों में 7731 जाए। तो यहाँ हम स्ट्रैटेजी चेक करते हैं। अगर हम यहाँ स्ट्रैटेजी आपको देखें तो 20 मूविंग एवरेज अभी नीचे है, 50 ऊपर है, तो कल परसों हो सकता है ये क्रॉसओवर हो, तो यानी पहला कंडीशन यहाँ मैच होगा कल या परसों, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। दूसरा स्टॉकिस्टिक आरएसआई 20 से 80 की तरफ जाता हुआ, तो यानी दूसरा कंडीशन यहाँ भी मैच हो गया। तीसरा जस्ट 50 को क्रॉस किया हुआ 51 है, यानी तीसरा कंडीशन भी हमारा यहाँ हो गया है मैच, तो इसलिए हमने इसमें पोजिशन बनाया है। एक हालांकि रिस्क लिया है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लिया है, एक्यूमुलेट किया, पिछला पहले भी हमने स्टॉक लिया था उसमें एक्यूमुलेट भी एक्यूमुलेशन भी आ गया है। अब एक जैसे ही हाई लगेगा हम इसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। तो ये था दो स्टॉक्स जो कल के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब सबसे बढ़िया है कि क्या ये वीकली अगर हम देखें एनालिसिस करें तो वीकली देखो 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, स्टॉक ये मूविंग एवरेज स्टॉक साइड 20 से 80 की तरफ जाता हुआ 24 है, अभी 80% का हमारे पास मौका है प्रॉफिट ग्रैब करने का, और जस्ट अभी 52 क्रॉस किया हुआ RSI, तो अभी हमारे पास पूरा मौका है यहाँ तक 8000 तक प्रॉफिट लेने का। तो आराम से बने रहिए, घबराइए नहीं स्टॉक्स में, वीकली का व्यू होगा हमारा और टारगेट उस हिसाब से हम यहाँ पे रखेंगे। डेली का व्यू लेके भी आप निकल सकते हैं, डेली के हिसाब से आपको यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करना है, लगभग यहाँ कहीं आए 7700 तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये दो स्टॉक्स हैं, ये दो स्टॉक्स हम अपने एक्सेल में मेंटेन कर देते हैं कि कौन से दो स्टॉक्स हैं जिसमें हम कल पोजीशन बनाएंगे या फिर एक्यूमुलेट करेंगे। और हमारे सारे स्टॉक्स निफ्टी के होते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी को भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीकली बेसिस पे अगर हम निफ्टी को एनालाइज करें तो जैसे बताइए हमने बताया था इससे पहले भी, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो बताया था 21900 लगभग ये वाला जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट एक बार फॉल जरूर बनता है, हो सकता है ये 21400 पे आए और इसको अगर तोड़े तो नीचे 20 मूविंग एवरेज अगर यहाँ ऊपर जा रहा हो तो 20800 पे भी आ सकता है, तो एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इस डाउनफॉल से बचना है हमें, प्रॉफिट बुक करते जाना है, मार्केट में जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप बुक करते जाइएगा, क्योंकि निफ्टी हो सकता है एक बार गिरे। आप डे बेसिस पे यहाँ देखो तो डे बेसिस पे भी यहाँ पे अभी आज भी मार्केट डाउन रहा, तो हो सकता है कि यहाँ 21200 के करीब में आए और एक छलांग लगाए। और वीकली और मंथली दोनों अपने रेजिस्टेंस पे, मंथली भी देखो आप यहाँ रेजिस्टेंस है 21955 रुपये का रेजिस्टेंस पे है, तो हो सकता है ये बहुत ही बड़ा एक अगर गिरेगा तो मार्केट ही नीचे आएगा, एक बड़ा परसेंटेज गिरेगा, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है। प्रॉफिट बनता जा रहा है, बुक करते जाइए, यही हम कहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दीजिए। सो बजाज फाइनेंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल अगर आप मार्केट खुलता है तो आप 7430 पर भी मार्केट क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कल आप 7450 पे लें, और आपकी एंट्री कब लेनी है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप बिल्कुल लगा लीजिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ आप लगा लीजिए, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखिए कि कहाँ एंट्री बनती है और हाफ एन आवर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने एंट्री लिया है, देखिए यहाँ कहीं स्ट्रैटेजी हमारी मैच हो रही थी और यहाँ पे आपने एंट्री लिया होगा 7300 पे, तो आज भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन हो सकता है एक फॉल आए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 100 है, ये भी 81 है 30 मिनट्स के चार्ट पे, तो एक हो सकता है फिर नीचे गिर के 7380 वगैरह करीब में आए, तो आपको डरना नहीं है। अगर आप इंतजार कर सकते हो इंतजार कीजिए, नहीं तो अगर आपका व्यू 3-4 दिन का है तो 4 घंटे के बेसिस पे भी आप उठा सकते हैं, हमारा टारगेट 7500, उसका 7600, उसका 7700 का टारगेट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने रिस्क मैनेज किया, हमने एक्सपेक्ट किया है कि चलो 7450 रुपये में हमने ले लिया, 7100 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा जो कि वीकली है, और यहाँ पे अगर आपका रिस्क 500 है तो आपके पास एक शेयर होगा, क्योंकि रिस्क पर शेयर 350 रुपये का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 750 का होगा। अगर आपका रिस्क 1000 के अंडर में है तो आपके पास दो क्वांटिटी होनी चाहिए, यहाँ पे आपका रिस्क 700 रुपया का होगा, प्रॉफिट होगा तो 1400 रुपये का होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर ये दोनों टारगेट हिट होता है तो। हमारा रिस्क आप देखिए 6000 रुपये का है, तो हमारे पास यहाँ क्वांटिटी कितनी आएगी, लगभग 15 के अराउंड आएगी, जहाँ पे 5250 रुपये का मैक्सिमम लॉस होगा और 10500 रुपये का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर ये टारगेट हिट होता है तो। दीपक फर्टिलाइजर में भी सेम है, हमने डे बेसिस का व्यू लिया है और डे बेसिस पे हमने स्टॉप लॉस भी लगाए हैं,
तो ये हमारा दीपक फर्टिलाइजर है, हमारा जो स्टॉप लॉस लगा है वो डेव के व्यू पे लगा है और हमने ये मूविंग एवरेज को माना हुआ है कि इस मूविंग एवरेज के बिलो 652 का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे हमने 650 का स्टॉप लॉस लिया है कि अगर इसके नीचे आता है तो हमारा ये सारा माल बिक जाएगा। एक सेफ साइड हम चलेंगे तो हमारा रिस्क पर शेयर कितना आता है, एक शेयर पे 46 रुपया। अगर आपका 500 रुपये का रिस्क है तो यहाँ पे पास कल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, जहाँ पे 6,960 रुपया लगेगा टोटल खरीदने में और 460 रुपये का मैक्सिमम लॉस होगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जाएगा तो 460 ही जाएगा और आएगा तो 920 रुपये का आएगा, जैसे ये 788 और 742 का टारगेट टच करता है। तो सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप अगर आपने कोई स्टॉक्स हमारा अच्छा परफॉर्म करे तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि हमारा एनालिसिस कैसा है ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। आपके कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, लाइक करते रहिए इस वीडियो को, यही तो हम चाहते हैं कि आप सपोर्ट करते रहिए सैटर्न कैपिटल को। सो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विथ सैटर्न कैपिटल।